शो के अंत में मिलवाते हैं आपको जर्मनी के एक ऐसे कलाकार से जिनकी तस्वीरें आपको हैरान करके रख देंगी, क्योंकि इन तस्वीरों में जो दिख रहा है वो दरअसल है ही नहीं। झील के किनारे बसा ये शहर, ये असली नहीं है बल्कि छोटे छोटे मॉडल को जोड़कर इसे तैयार किया गया है। ये काम है थॉमस व्रेडे का। मेरी हमेशा ही आभासी दुनिया में रुचि रही थी। मेरी एक थीम थी एम्यूजमेंट पार्क, ऐसा लैंडस्केप जिसे देखकर लगे कि इसे बिल्डिंग ब्लॉक्स जोड़कर बनाया गया है। उसके बाद एक छोटा सा कदम लेना था और मैं असली लैंडस्केप के बिल्डिंग मॉडल बनाने लगा, जैसे कि ये वाला। ये अमेरिकन ड्राइव इन सिनेमा जैसा लगता है, कहीं जंगलों के बीच, लेकिन दरअसल ये बोट्रॉप शहर के पास एक छोटा सा बालू का टीला है। ये बालू का काफी पुराना ढेर था, उसमें घास उगने लगी थी, हवा और बारिश ने भी अपने निशान छोड़े थे, कई जगह मिट्टी कटी हुई थी। कुल मिलाकर ये एक काफी खूबसूरत लैंडस्केप था। और रेडे इसका उल्टा भी करते हैं। असल जिंदगी में ऐसे नज़ारे ढूंढ लेते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि नकली हैं। अम्यूजमेंट पार्क में वो ऐसे नज़ारे खोज निकालते हैं। तस्वीरों की इस सीरीज को उन्होंने नाम दिया है डोमेस्टिक लैंडस्केप। यहाँ वुपरटाल शहर में लगी प्रदर्शनी में व्रेडे की पुरानी कृतियां भी देखी जा सकती हैं। इसे नाम दिया गया है सीनरीज। खिड़कियों पर परिंदों के छोड़े निशान, और प्लास्टिक के कूड़े से भरा एक द्वीप। थॉमस व्रेडे असली और नकली के बीच एक नई ही दुनिया रच देते हैं।